है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100% लोगों की मदद कर सकता है किसी ना किसी तरीके से। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप आर्टिकल राइटर हैं, चाहे आपकी खुद की वेबसाइट है, ये आपके लिए काम की चीज़ है, वो है एआई राइटर। एआई राइटर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट राइटर्स। ये ऐसे राइटर्स होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं लिखने में, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। मैं आपको इस वीडियो में एक एआई राइटर दिखाने वाला हूँ। ये एआई राइटर मैंने कल एक मेरे अजीज दोस्त हैं उनकी एक ट्रेनिंग सेशन था उसमें मैंने बताया था, तो मुझे कुछ क्वेरीज आई कि इस एआई राइटर का यूज़ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको वो यूज़ बताऊंगा, उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, और फिर आपके यूज़ केसेस आपको पता लग जाएंगे कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बात जो मैं करना चाहूँ ये है कि एआई राइटर्स आर नॉट टू रिप्लेस ह्यूमन राइटर्स। इसको मिस यूज़ नहीं करना। अगर आप राइटर हैं तो आप ये कहकर नहीं बेच सकते कि ये आर्टिकल मैंने लिखा है, इट विल बी हराम फॉर मुस्लिम्स, इट विल बी फॉर नॉन मुस्लिम्स, इट विल बी इलीगल टू मी, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस कि अगर आप ये कहकर बेचेंगे कि मैंने खुद लिखा है। तो ये राइटर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए बात नहीं कर रहा मैं। राइटर्स अगर किसी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको ये मत लीजिएगा कि अच्छा मैं अपने राइटर अपने आर्टिकल्स यहाँ से लिखा करूँगा, क्योंकि आपको बताना होगा कि आप असिस्टेंस ले रहे हैं एआई राइटर्स की, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि जो एआई राइटर मैंने चूज़ किया है वो क्यों किया है, क्योंकि वो मुझे बाकी एआई राइटर से काफ़ी बेहतर लगा, काफ़ी सिंपल लगा। मैंने बहुत सारे एआई राइटर्स को इस्तेमाल किया हुआ है ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि मैं आउट ऑफ नो वेयर एक राइटर को प्रमोट नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि इवन इफ अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं आपको इसका एविडेंस दूंगा, और तीसरी बात ये कि इवन इफ अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वो बाय करेंगे, क्योंकि वो मेरा तो है नहीं। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो फ़ायदा दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से बाय कर देंगे तो आपको तो उतनी ही प्राइस देनी पड़ेगी, मगर मुझे कमीशन मिल जाएगा। मगर ये कम्प्लीटली अप टू यू है कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं राइटर। राइटर जो है वो प्रोडक्ट हंट एक वेबसाइट है जो प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ देती है, तो उसने इसको 4.9 out of 5 stars दिए हैं और ये प्रोडक्ट ऑफ द मंथ चूज हुई है। ये वेबसाइट है राइटर डॉट मी। इसकी प्राइसिंग पर चलते हैं। इसकी प्राइसिंग है जनाब $9 पर मंथ, $9 पर मंथ। आपको 50,000 कैरेक्टर दिए जाएंगे। 50,000 कैरेक्टर का मतलब है तकरीबन 10,000 words, एवरेज 10,000 words। और अगर आप इसका जो बड़ा वाला पैकेज लेना चाहते हैं तो ये $29 पर मंथ जो आपको अनलिमिटेड कैरेक्टर्स देगा। अब जो मैं आपको ऑफर बताने जा रहा हूँ उससे आप सिर्फ एक बार पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट होगी $39, 39, और वो पेमेंट करने के बाद आपको पूरी लाइफ के लिए ये आर्टिकल राइटर फ्री में मिल जाएगा। तो आपने जाना कैसे है? एक वेबसाइट है appsumo.com। आप इधर जाएंगे, इधर अपना अकाउंट बनाएंगे और इधर लिखेंगे राइटर। आप अगर इस लिंक पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो मेरे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाएंगे और इसको डायरेक्टली आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और इससे मुझे भी कमीशन मिलेगा। ये एआई राइटर्स को 1,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हुए हैं। ये ऐप सुमो की वन ऑफ द मोस्ट रिव्यूड ऐप है। मतलब इतने रिव्यूज़ मैंने नहीं देखे ऐप सुमो पे कि किसी एक सिंपल सॉफ्टवेयर को मिले हों। $39 की लाइफ टाइम डील है जिसमें आपको मिलेंगे 50,000 कैरेक्टर पर मंथ, जो आपको बताया कि एवरेज कितना बनता है 10,000 word पर मंथ। आप इसके रिव्यू देख लें, हेल्पफुल, किंग ऑफ लॉन्ग फॉर्म। ये किंग ऑफ लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखना चाहते हैं आप, अपना इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, अब आइए डायरेक्टली हम चलते हैं राइटर पे और करते हैं स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। आपने उसको बताया कि मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, और आपने यहाँ पर लॉग इन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लॉग इन करने के बाद वो आपको ले जाएगा इनसाइड, और हम पहुंच गए अपने इनसाइड में। यहाँ पर आपको YouTube का प्रोजेक्ट है, तो YouTube लिखकर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा और ये आपका
यूजर इंटरफेस आ गया। आप इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, यहां से क्लिक करके मैक्सिमाइज कर लेंगे तो ये आपका फुल यूजर इंटरफेस ऐसे आ जाएगा। अगर आप ऐसे यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें, मैं यूट्यूब पर जाता हूँ। अच्छा अब जनाब यूज केस क्या होगा? यूज केस के आप किस चीज के लिए अपना जो है वो लिखना चाहते हैं, और आप कस्टम यूज केस भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लॉग आइडिया और आउटलाइन। ब्लॉग आइडिया और आउटलाइन लिखने के बाद वो आपको देगा कि आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है और इसके कितने वेरिएंट्स चाहिए। वेरिएंट का मतलब है इकसाम, दो चाहिए, तीन चाहिए या एक चाहिए। मैं एक पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे एक इसकी नॉर्मली अच्छी होती है। अब जनाब यहां पर लिखा हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया, मैं आपको डिफरेंट बता दूंगा। उसके बाद में आपने क्लिक किया राइट पे, ये आपको एक आउटलाइन दे देगा कि जो हेडिंग्स की आउटलाइन होती है, ठीक है। ये उसने क्या आउटलाइन दी, उसने कहा हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप स्क्रीन, हाउ टू क्लीन योर कीबोर्ड जो लैपटॉप का कीबोर्ड है, हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप केस क्योंकि केस की एक अलग क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग टैब्स फॉर योर लैपटॉप कीबोर्ड एंड माउस। अच्छा अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको चूज करेंगे। ये अच्छा, ये इसने कीवर्ड्स भी दे दिए हैं, देखें कीवर्ड्स दे दिए हैं, लैपटॉप स्क्रीन क्लीनर, स्क्रीन क्लीनर फॉर लैपटॉप, क्लीनिंग लैपटॉप स्क्रीन, ये कीवर्ड दे दिए ताकि उस एआई राइटर को मदद मिल जाए। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेना है द अल्टीमेट गाइड ऑफ क्लीनिंग लैपटॉप एंड कीप लुकिंग। देखता हूँ, लेट्स सी, अगर हम इस इधर से ए ब्लॉग सेक्शन में जाकर, सॉरी वो किधर गया, ब्लॉग सेक्शन में चलते हैं फिर यहाँ पर लिखते हैं हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप। बल्कि मैं आपके लिए सिंपल रखता हूँ, आप यहाँ नहीं गए, आप इधर इधर ही रहे और आपने इसको, ये एक आसान तरीका ये बता देता हूँ पहले आपको, आपने इसको ऐसे करके हाईलाइट किया और हाईलाइट करने के बाद आपने ये दबाया पैराग्राफ, मेरे लिए पैराग्राफ लिख दो, ये आपके लिए पैराग्राफ लिख देगा, ठीक है। ये उसने पैराग्राफ लिख दिया, अब आपने इसको ऐसे कर दिया, ये आपके लिए पैराग्राफ बन गया, आपने कीवर्ड्स कर दिए डिलीट, ठीक है, अब ये आपका पहला हेडिंग बन गया। अच्छा यहां पर देखें हाउ टू क्लीन योर कीबोर्ड, अच्छी चीज है, मगर क्योंकि यहां पर लैपटॉप का जिक्र नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने लैपटॉप का जिक्र कर देना है, हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप कीवर्ड। ओके यहां पर आपने लैपटॉप की बोर्ड क्लीनिंग, ये आपने एआई राइटर को मदद कर दी कि वो एग्जैक्टली वो लिखे जो हमने लिखवाना है, क्योंकि अगर हाउ टू क्लीन योर कीबोर्ड हो सकता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में लिख देता। फॉर दोज हु वंडर हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप कीबोर्ड वी हैव आंसर टू यू फॉर यू, वी हैव द आंसर फॉर यू। There are many ways for the product to clean. The first option is to use a wet cloth and wipe it down gently. The second option is to buy a spray or pen-like product. What's more, there are some awesome software programs out there that can help you keep your computer running smoothly by eliminating viruses. अब ये देखें ये वाला पैराग्राफ हमें नहीं चाहिए, हमने इसको कर दिया ऐसे। अच्छा हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप केस, आपने इसको पैराग्राफ, ये मैं अपना कैरेक्टर लिमिट बर्न कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा इफ यू हैव बीन यूजिंग अ लैपटॉप फॉर इयर्स चांसेस आर दैट द केस इज नॉट क्लीन एंड एज इट इज यू इट वाज यूज्ड टू बी। इन ऑर्डर टू कीप योर लैपटॉप इन प्रिस्टीन कंडीशन यू नीड टू क्लीन इट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, क्लीनिंग आउटसाइड केसेस ये वो। अच्छा फिर क्लीनिंग टैब्स फॉर लैपटॉप, आपने इसको वो कर लिया। अच्छा अब आप कंक्लूजन को, कंक्लूजन ऑन हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने मदद करनी है कि मदद हो जाए एआई राइटर की, कि कंक्लूजन किस चीज की लिख रहे हैं, तो आपने उसको लिख दिया कि मैं कंक्लूजन चाह रहा हूँ इसकी, ठीक है, यह इसको डिलीट किया।
इसके कीवर्ड्स को डिलीट किया, इसके कीवर्ड्स को डिलीट किया, और ये जनाब डॉक डॉट न्यू किया आपने, देख डॉक्यूमेंट खुल जाएगा नया। ये आपने पूरा आर्टिकल पकड़ा और यहाँ तक इसको कॉपी किया, यहाँ पर आपने अब आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका वर्ड काउंटर होता है, यहाँ पर वर्ड काउंट, ये आपका 536 वर्ड्स का बेहतरीन किस्म का, इसको भी डिलीट कर रहे हैं, ये बन गया, ठीक है। अब आपने इसको ग्रामरली पे टेस्ट कर लेना है और आपका एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल तैयार हो गया। अब और किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है जनाब? ठीक है जी, आई एम एस को डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, और जनाब ये इस्तेमाल हो सकता है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के लिए। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आप मिसाल के तौर पे लिख रहे हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। ये आपने बोला, आपने उसको बोला कि मुझे डिस्क्रिप्शन की टू वेरिएंट्स दे दो, दो वेरिएंट्स, दो देगा। याद रखें, जब आप दो वेरिएंट्स देंगे तो दो के कैरेक्टर काटेगा आपसे, तो अगर आप नहीं चाहते तो आप उसको एक कर देंगे, ठीक है। राइट फॉर मी, ठीक है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द क्विकेस्ट वे टू अर्न मनी विदाउट हैविंग टू बिल्ड अ लिस्ट और क्रिएट अ प्रोडक्ट लाइक एवरीबडी एल्स, ठीक है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, मतलब ये उसने डिस्क्रिप्शन लिख दी जो आप अपनी वीडियोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप उसे चाह रहे हैं कि मुझे आइडिया दो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। आप उसे चाह रहे हैं कि वो आपको वीडियो टाइटल का आइडिया दे, तो आप उसे चेक करें कि वो क्या आइडिया देता है। गारंटीड वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2021, द फाइव बेस्ट वेज टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, लॉट्स ऑफ आइडियाज। तो ये उसने आइडियाज दे दिया, आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल और रिव्यू, अब आपने यहाँ पर राइटर लिख दिया, उसने एग्जाम्पल दी हुई है, एआई राइटर, ए आई राइटर एट सिस्टम, ये आपको रिव्यू लिख कर देगा, आपने वन कर दिया, और वन ऑफ द बेस्ट एंड हाई क्वालिटी, ठीक है। अब आपने उसको कहा राइट फॉर मी, ये आपका प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहा है, प्रोडक्ट रिव्यू आप कोई भी लिख सकते हैं। आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेस्ट कॉन्टेंट एंड राइटिंग सर्विस एंड आई हैव ट्राइड मैनी ऑप्शन, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट राइटर इज वन ऑफ द बेस्ट ए आई राइटर्स आउट देयर एंड देयर क्वालिटी इज अनपैरेलल्ड, ठीक है। आप इधर लिख देते हैं एच पी गेमिंग लैपटॉप S112, जस्ट आपने बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन बजट ट्राई करें, ट्राई करते हैं ये आपको क्या देता है आगे से। जी, आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुड गेमिंग लैपटॉप डैट वोंट ब्रेक माई बैंक, क्योंकि मैंने बजट का जिक्र किया था। फाउंड द एचपी गेमिंग लैपटॉप S112, दिस लैपटॉप इज नॉट ओनली चीप बट इट हैज ग्रेट बैटरी लाइफ, कैन बी यूज एज अ टैबलेट, ओवरऑल डज एवरी थिंग वॉट आई वॉन्ट टू डू, आई एम वेरी हैप्पी विद द परचेज, मुदसर अल्ताफ। यह आपको किसी को टेस्टिमोनियल लिखना है, किसी को रिव्यू लिखना है, आप इजिली किसी का को आपने मेरी वीडियो मसलन आपने हेल्पिंग ऑरेंज बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब चैनल, आपने मुझे कमेंट करना है, आप मेरी तारीफ करना चाह रहे हैं, आप राइटर पर जाएंगे, अपना टेस्टिमोनियल ऐसे देंगे कि ये, तो अब जनाब आई एम द ऑनर ऑफ हेल्पिंग। अच्छा, ये उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसको दोबारा बोलें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि या तो मुझे जानता होगा, लेट्स सी। अच्छा, ये यहाँ पर उसने वो लिख दिया, कभी कभार गलतियां भी कर देते हैं यार राइटर, तो उसको माफ कर दे।
आई एब्सोल्युटली लव हेल्पिंग ऑरेंज यूट्यूब चैनल, आई बीन वॉचिंग इट फॉर ईयर्स. आप इधर मंथ्स कर दें क्योंकि अभी ईयर्स हुए नहीं. नाउ एंड देयर कॉन्टेंट इज सो वेल ऑर्गेनाइज, द ट्यूटोरियल्स आर नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, जस्ट परफेक्ट. समझ रहे हैं बात? तो ये आपका. अब जनाब और क्या करें हम जनाब इनके रिव्यू के रिप्लाइज भी कर सकते हैं. मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ. मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है बेस्ट गेमिंग चेयर अंडर $200, 300 कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वेरिएंट वन. ठीक है, ये आपको मेटा डिस्क्रिप्शन दे देगा. ये आप मिसाल के तौर पे, ये आपको उसने अच्छी नहीं दी, आप उसको बोलें दोबारा देखो. ये देखें, अब ये एक अच्छी चीज़ है कि वो आपको सामने नजर आ रही है, इसमें कोई अनएडिटेड चीज़ नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि उसको समझ नहीं आई इस बात की. इंट्रोड्यूसिंग द बेस्ट गेमिंग चेयर अंडर $300 टू लेट यू प्ले आवर्स एंड आवर्स विदाउट पेन. ये ठीक है, काइंड ऑफ इट्स ओके. तो ये इस तरह आप अपने वो मेटा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं. ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. अब जनाब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अमेज़ॉन पर जाकर हम एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेंगे, कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद हम उसका एक 5-स्टार रिव्यू देखेंगे. ये मैं आपको रिव्यू जनरेट करना बता रहा हूँ, ये आपको कॉपी करेंगे. अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे उसका रिव्यू इतना. ठीक है, और नाम है जी टिप्सी ट्रे. अब आप इसका एक वेरिएंट करेंगे. वाह, टिप्सी ट्रे इज अ न्यू सोल्यूशन फॉर अ कॉमन प्रॉब्लम कैरिंग कप्स एंड प्लेट्स. दिस इंजीनियस ट्रे इज डिजाइंड फॉर यूज बाय बोथ राइटीज एंड लेफ्टीज एंड कैन फिट. ये तो देखें, इसमें भी नहीं लिखा हुआ वैसे, उसने खुद ही सारा आर्टिकल लिखा. तो आप ये अपने आर्टिकल जो रिव्यू है, प्रोडक्ट रिव्यूज है, वहां पर ये डाल सकते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाला जो है वो ये वाले कैरी ड्रिंक्स विद सिंगल हैंड, ये करके दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में ग्रेविटी बैलेंस डिजाइन, इसको बंद कर दूं मैं. अच्छा, सुपर सेफ एंड स्टेबल. ठीक है, रिमूवेबल हैंडल, बस ये आखिरी है इंशाल्लाह. फिर आपको और नो स्पिलेज सरफेस रिजल्ट पता लग जाएगा. ठीक है, अब आप इसको लिख कर देखें. ले जी, से गुड बाय टू मेसी हैंड्स एंड स्पिल्ड ड्रिंक्स, द अल्टीमेट पार्टी गोअर्स बेस्ट फ्रेंड. टिप्सी ट्रे इज अ टाइम सेविंग, स्पेस सेविंग एंड सैनिटी सेवर. वाह, तो आप कैसे जबरदस्त किस्म के आर्टिकल्स लिख सकते हैं. आप इसकी वेरिएंट्स ज्यादा कर लेंगे तो वो आपको डिफरेंट वेरिएंट्स दे देंगे. बस जी, मेरा ख्याल है मैंने काफी अपना क्रेडिट यूज कर लिया. अब जनाब आपने जाना है यहाँ पर. यहाँ पर मुझे कमीशन अभी, क्योंकि मेरा अफिलियट अकाउंट नया है, तो मुझे कमीशन सिर्फ तब मिलता है अगर आपका अकाउंट एप्सुमो पर नया है. अगर आप एग्जिस्टिंग एप्सुमो कस्टमर्स हैं तो फिर मुझे कमीशन नहीं मिलेगा. बट इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आपको एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है, दैट्स द द द पर्पस. थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए.